अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र डालने से पहले मुख्तसर तबसरा, क्या विपक्ष भाजपा का जनाजा उठाएगा? सवाल बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष मुत्तहिद होता नजर आ रहा है 2024 को लेकर, किसी तरह हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द सियासी माहौल बनाने की कोशिश में भाजपा 2024 को हिंदू राष्ट्र के कयाम की तरफ कदम और इसी की पुख्तगी बख्शने के लिए राम मंदिर का इफ्तिताही इजलास भगवा लिबास पहनकर, मोदी की पूजा पाठ तो कॉमन सिविल कोड का पैंतरा, इसी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है। बहुत ही अहम खबर कह सकते हैं। दो दिन का विपक्ष का इजलास आने वाले मुल्क की दिशा को बदल सकता है। इन तमाम के दरमियान ये सवाल जरूर उठता है कि क्या विपक्ष भाजपा का जनाजा उठाएगा, लिहाजा उम्मीदें जरूर नजर आ रही है। लेकिन भाजपा को इतना हल्के में भी लेना दुरुस्त नहीं होगा। जहां कर्नाटक में विपक्ष भाजपा के मुखालिफ जमावड़ा है, तो इसी कर्नाटक में जेडीएस और भाजपा का मिलन भी होने वाला है। वैसे दोनों दुखियारे हैं, लेकिन अफवाहें यूं भी फैल रही हैं कि कांग्रेस जो कर्नाटक में मजबूती के साथ खड़ी है, इसे ही सेंधमारी करने के चक्कर में। लेकिन जितना कहना आसान है उतना मुश्किल भी है, क्योंकि कुछ तो यूं भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि डीके शिवकुमार को वजीर आला का ओहदा भाजपा जेडीएस की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि सिद्धरामैया और डीकेशी को लेकर हमेशा वजीर आला को लेकर तनाजा होने की बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है। लेकिन इसे महज अफवाह के तौर पर इसलिए देखना है क्योंकि कांग्रेस आप एसपी पीडीपी एमआईडीएमके तृणमूल कांग्रेस जेडीयू शिवसेना समेत कुल 28 पार्टियों का इत्तेहाद देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो सीपीआई और तृणमूल की विचारधाराएं अलग है, लिहाजा भाजपा के तसल्लुत को घटाने की कोशिश रहेगी, ऐसा सीताराम येचुरी ने कहा। बेंगलोर में दो दिन के इजलास का नाम ही यूनाइटेड वी स्टैंड दिया हुआ है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष का मुत्तहिद होना भाजपा के लिए खतरा बनता जा रहा है। कर्नाटक में भाजपा की हुकूमत थी, वैसे यहाँ कभी अक्सरियत के साथ भाजपा ने हुकूमत नहीं बनाई। ऑपरेशन कमल के जरिए हुकूमतों को बदलने की नई रस्म को भाजपा ने शुरू तो किया हुआ है, और यह मुख्तलिफ रियासतों में इस रस्म को कामयाबी के साथ चलाया गया, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई। लेकिन डर खौफ के जरिए बार बार हुकूमतों को बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता, और इसकी मिसाल एक बार फिर कर्नाटक में देखने को मिली। महाराष्ट्र में भी इसी तरह कभी ईडी एनआई के छापेमारी का डर दिखाकर एमएलएस को अपने पार्टी में लेने का हुनर भाजपा ने सीख लिया, एनसीपी को आप देख सकते हैं। लेकिन कर्नाटक की आवाम ने धर्म जात पात की सियासत को पसे पुष्ट डालकर रोजगार, महंगाई, मुफ्त बिजली, पानी, अनाज की सियासत को अपनाया और भाजपा की सांप्रदायिकता को बेदखल किया। अब इस इत्तेहाद को भाजपा भला बुरा कहती नजर आ रही है। भाजपा ने विपक्ष की एकता को मफाद परस्ती और इख्तदार के भूखे लोगों का इजलास खाए। कांग्रेस के कायद खरगे ने कहा कि वजीर आजम मोदी मैं अकेला ही काफी हूँ कहते थे, लिहाजा 30 पार्टियों को क्यों बुलाया जा रहा है। विपक्ष के इत्तेहाद को गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर भाजपा को मणिपुर फसाद को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मणिपुर अब भी जल रहा है, बजाय मणिपुर पर कुछ बोलते कॉमन सिविल कोड की फिक्र में वजीर आजम दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, करोड़ों की मिल्कियत पानी में बह चुकी है। लोगों की बदलती सोच और फिक्र, महंगाई, बेरोजगारी असल मुद्दे बनकर उभरते दिखाई दे रहे हैं। आवाम हिंदू राष्ट्र से ज्यादा मुकामी मसलों पर वोट देना चाहती है। खुद आरएसएस भी अब एतराफ करती दिखाई दे रही कि भाजपा मोदी के चेहरे पर जीत नहीं सकती, मोदी की छाप अब बेअसर होती नजर आ रही है। आवाम पर इनके बयानात का असर भी कम हो चुका है, लिहाजा भाजपा का 2024 में जीत दर्ज करना मुश्किल लग रहा है। बेंगलुरु का दो दिन का इजलास काफी कुछ मुस्तकबिल तय कर सकता है। यूनाइटेड वी स्टैंड उन पोस्टरों पर नारा है जिन पर बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्ष कायदों की तस्वीर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तमाम विपक्षी पार्टियों के लीडरों का इस्तकबाल किया गया, जिनमें कांग्रेस कायद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, एनसीपी के शरद पवार, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, डीएमके के मुखिया और शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी शामिल रहे। एमके स्टालिन और वामपंथी कुछ मुकामी पार्टियों के लीडरान की तस्वीरें भी यहाँ सड़कों पर नजर आई। पूरा मंजर देखने के बाद सवाल जरूर जहन में आता है कि क्या विपक्ष मुत्तहिद होकर भाजपा का जनाजा उठाएगी। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। आइए अहम खबरों पर एक नजर। मुखालिफ पार्टियों के इत्तेहाद पर तंज कसते हुए भाजपा कायद इतनार पाटिल ने कहा कि मोदी का डर विपक्ष के दिलों में है, लिहाजा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के तमाम डकैत बेंगलुरु में जमा हुए हैं जो भाजपा को हरा नहीं सकते, ऐसा भी कहा। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ 2024 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದರೋಡೆಕೋರರು, ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ
ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಯ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 2024 ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈಲೇ ಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದರೋಡೆಕರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. आज बेलगाम शहर में पिरनवाड़ी में हुए कत्ल मामले को लेकर पिरनवाड़ी के तमाम मुस्लिम जमातों के जिम्मेदारों की जानिब से डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया, जिसमें मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया. इस वक्त पीरवाड़ी टीपू सुल्तान नगर से कसीर तादाद में खवातीन भी शरीक रहे. उन्होंने फिर बेलगाम पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात फरमाई और वहाँ पर भी अपनी फरियाद दर्ज की. दूध सागर के करीब पहाड़ खिसकने से गोवा एक्सप्रेस रेल को रोकना पड़ा, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा. दूध सागर सोनौली के दरमियान लैंडस्लाइड होने से वास्को हजरत निजामुद्दीन सोनौली स्टेशन पर ही इस रेल को रोकना पड़ा, लिहाजा बेलगाम तक पहुंचने के लिए आधी रात हुई, जिससे मुसाफिरों को तकलीफ उठानी पड़ी. पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे जैन मुनि कत्ल को लेकर एहतजाज मुतालबे पेश किए जा रहे थे. आखिरकार रिपोर्ट पेश की गई. पूरे हफ्ते तक बारीकियों से तफ्तीश करने के बाद पुलिस नतीजे पर पहुंची कि रुपये के लेन देन में ही कत्ल की बात सामने आई. बहुत सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश भी नारायण माली और हसन दलायत ने की. वाजा रहे कि नारायण माली का ड्राइवर हसन दलायत था, लिहाजा तमाम कत्ल के कामों में मालिक नारायण माली का साथ हसन दे रहा था. पर कुछ लोग इसे अलग रंग देने की फिराक में थे. भाजपा हिंदुत्ववादी तंजीमों का मुतालबा था कि मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने कोई जरूरत नहीं है, कर्नाटक पुलिस में काबिलियत है ऐसा कहा. तफ्तीश की जिम्मेदारी पुलिस अफसर बसवराज अलगार ने बखूबी निभाया, ऐसा भी बताया जा रहा है. स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर दुनिया भर में मुसलमानों में गुस्से का मुजहरा किया जा रहा है, लिहाजा बेलगाम शहर में भी इसका असर देखने को मिला. कई जगहों पर सड़क पर स्वीडन का परचम के स्टिकर्स लगाए गए ताकि उस पर चलकर अपने गुस्से का मुजहरा कर सके. हो इसका बेलगाम क्रिश्चियन फोरम की जानिब से आज मणिपुर फसाद में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और 200 से ज्यादा चर्चों को जलाने पर मजम्मत करते हुए अपना मुतालबा डीसी बेलगाम को पेश किया. वाज रहे पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है. यहाँ कुकी कबीला ईसाई और मैथई हिंदू समाज के दरमियान रिजर्वेशन को लेकर फसाद शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है. वजीर आजम जो छोटी सी बात पर ट्वीट करते हैं और मन की बात बयान करते हैं, इतनी बड़ी नस्ल कशी पर खामोश क्यों है, ऐसा सवाल भी मुल्की सतह पर पूछा जा रहा है. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಮೇ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಇತರೆ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಸಹ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ बेलगाम जिला मुडलगी में आज फिर एक नौजवान का कत्ल हुआ। मकतूल का नाम शंकर सिद्धप्पा जगमोती है। मुडलगी थाने में मामला दर्ज हुआ है। अब तक कातिल का पता नहीं है। तफ्तीश जारी है। इतना जरूर है कि बेलगाम जिले में कत्ल की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।